राज भी रज में होरी रे रसिया होरी रे दीवे होरी होरी रे देखिए किस तरह से आनंद में नाच रहे हैं कूद रहे हैं। जैसे भगवान श्याम सुंदर कल अपने ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बरसाना आए जी, उसके तत्पश्चात हम क्या होता हम का कुछ कमेगा हमारी प्रिया और क्या बोल होरी के रसिया की जय। सभी भक्तों का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ब्रज माधुरी में। कल आपने देखा था किस तरह से नंदगांव के होरियारे बरसाना गए थे और वहाँ पे होरियारों ने उन्हें उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई थी। आज उसी तरह से बरसाने के होरियारे आएंगे और नंदगांव की जो होरियारे ने उनके ऊपर लाठियाँ बरसाएंगी। और सबसे पहले यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है वो होता है पगड़ी बंधन का। जो बरसाना के गोस्वामी समाज के लोग आएंगे सबसे पहले अपनी ढाल और पगड़ी यहाँ पे तैयार करेंगे और उसके लिए वो यहाँ पे रुकते हैं यशोदा कुंड पर। हम आपको यशोदा कुंड पर लेके चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं किस तरह से पगड़ी बंधन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। सको अब हम हैं यशोदा कुंड पर जहाँ पर आप देख रहे होंगे गोस्वामी समाज के लोग आना शुरू हो गए हैं और बहुत ही जल्दी ये प्रांगण खचाखच भर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबरी पगड़ी बंधन की रस्म है वो पूरी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लठमार होली का आयोजन होगा। ये आप देख रहे हैं किस तरह से गोस्वामी समाज के लोग पगड़ी बांध रहे हैं, उसके बाद अपनी ढाल तैयार करेंगे और फिर यहाँ से नंद महल में जाएंगे। फिर नंद महल में दर्शन करने के बाद वहाँ पे समाज गायन होगा और उसके बाद नीचे रंगीली चौक में आके यहाँ पे लठमार होली का आनंद बरसेगा। होरी रे रसिया आज भी रज में होरी रे रसिया होरी रे दीवे होरी होरी रे रसिया होरी रे होरी रे होरी होरी रे रसिया आज भी रज में होरी रे रसिया आज भी रज में होरी रे रसिया कौन गाम के कुमार कन्हैया प्यारे कौन गाम के कुमार कन्हैया प्यारे कौन गाम राधा गोरी रे रसिया कौन गाम राधा गोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे पहले ये श्री जी का रूप है जो चंडी है इसको लेके वहाँ से पैदल आ रहे हैं सभी। और ये देखिए इस तरह से ये झंडी होती है कि अब यहाँ पे लठमार होली की शुरुआत हो जाएगी। इस तरह से धूमधाम के साथ यहाँ पे सभी गोस्वामी आ रहे हैं और अब यहाँ पे लठमार होली के लिए वो नंद महल में जाएंगे। नहीं है कल जो होरियारे गए थे नंदगांव के बरसाना वहाँ पे होली खेल के आए थे, आज आप सब लोग आए हो, ये क्या परंपरा है? ऐसा है मेरे भैया, अगर इस रस को जानने के लिए पहले ब्रज का महत्व जानना पड़ेगा जी। प्रिया प्रीतम का जो ये प्रेम का जो संबंध है ये होली का महोत्सव है। इसमें हमारा एक मानना जाता है जैसे भगवान श्याम सुंदर कल अपने ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बरसाना आए जी, उसके तत्पश्चात हम क्या होता हम का कुछ कमेगा हमारी प्रिया और क्या। हमारी प्रिया जी ने कहा कि ऐसे आते बरसाने वाले बोले मेरे जाके बदला लेके आओ मेरे कन्हैया से। अच्छा, तो उस रूप में हम सब ब्रज गोपी रूप में आके कहते हैं कि हे कन्हैया दर्शन दे नंद दुलारे और काल खेल आयो बरसाने आज होए तेरे द्वारे निकल के आ। क्योंकि आज सब सखियां भगवान श्याम सुंदर से अपना फगुआ लेने आती हैं। अच्छा, ये फगुआ का ही आप निमित्त देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से सबका स्वागत किया जाता है ब्रज गोपियों का। उसके तत्पश्चात वहाँ नंद भवन जाती हैं, वहाँ पर कहते दर्शन दे नंद दुलारे, उनको कन्हैया को बुलाते हैं नंद भवन से निकल के बाहर आओ आप, कल आप बरसाना हमारे प्रिया जी के यहाँ महल में खेल के आए, आज हम आपसे बदला लेने के लिए आपसे फगुआ लेने के लिए आते हैं। तो उसमें एक पद आता है बहुत सुंदर, तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं सब सखियन के घर पहुँचावो, अरे ग्वाल बालो सब सखियन के घर लेके जाओ और राधे जू के हा हा खाओ। और ऐसो करियो फगुआ ही नहीं मेरी प्रिया जी के सामने जाके आप उनके निहोरे करना दंडवत करना प्रणाम करना
और माफ़ी मांगना अगर कोई गलती से भूल चुकी हो तो प्रिया जी हमें माफ़ करें। श्री राधे झूके हा हा खाओ जब श्याम ने सखा बुलाए हैं, हम ब्रजगोपी रूप में और प्रिया जी के भैया श्री रामा के रूप में हम यहाँ लोग आते हैं। अच्छा, जिस समय हम खेल के यहाँ से जाएंगे उस समय हमारा एक बहुत सुंदर पद होता है कि श्री रामा होरी खेल घर आए। प्रिया जी हमारे प्रतीक्षा करती रहती हैं जब हम खेल के जाते हैं, तो प्रिया जी जब लाला गौड़ेन में आयो श्री राधे जो लोटा भर जल पे आयो, उनके स्वागत के लाला थक गए होगे मेरे भैया आज कन्हैया से फगुआ ले को, ये भाव है प्रेम का भाव है। अच्छा, और जो ये ढाल वगैरह है ये ढाल, अरे अरे तो वो रोकेगा नहीं क्या? अच्छा, जब लाठी चलेगा रोकेगा तो हम क्या करेंगे, हमका किसी कम है क्या भैया? कि बेटा आजा तू भी आजा, हम तैयार है तेरे से। टिट फॉर टैट अंग्रेजी में कहते हैं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, बेटा तू भी आया तो हम भी तेरे बाप जा। अच्छा, तो कमेगा हम। लेकिन आज जो बरसात के सब जो गुस्साई दी है सब गोपी वेश में, सखी वेश में, सखी वेश में फगुआ लेने के लिए, फगुआ लेने के लिए आए हैं प्रिया जी के भैया श्री रामा और ब्रज गोपी के रूप में है सब। नियम यह है ना, होली खेल के फगुआ दिया जाता है, फगुआ दिया जाता है, इसलिए निकाल फगुआ तू भी निकाल, ये भाव होता। हाँ कन्हैया बजाओ रे, और क्या आप तुमसे मांग रहे, निकालो ना फगुआ। अरे हम तो तुम्हारे संग नहीं है। अरे संग काय को, तो संग डब्बा काय को हो तो संग में, ये भाव होता भैया, प्रेम का भाव है। इसको समझने के लिए रसकू तो वो रसिया जाने, रसकू कूर कहाँ पहचाने। अरे ये क्या लठिया वठिया लेके आगे, ढाल वाल लेके आगे, ये नहीं है, प्रेम है, प्रेम पगी लाठिया है। और ये लाठी स्वरूप क्या है, ये प्रिया प्रीतम का ये प्रेम है, आशीर्वाद है, भाव है। इनकी रज में जहाँ प्रिया प्रीतम खेलते हैं वो रज बड़ी अमूल्य है। तो भैया ये है सब, आनंद है, आनंद लो प्यारे और सबको बताओ, आओ ब्रिज में होली खेलो और आनंद लो होली का। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप देख रहे हो कितने सुंदर तरीके से, विस्तृत तरीके से पूरी जानकारी यहाँ पे दी गोस्वामी समाज के सेवा जी ने। देखिए नंदगांव की कुंज गलियों में होकर सभी हुरियारे जा रहे हैं श्री नंद महल में, और ये देखिए उनके स्वागत के लिए चारों तरफ रंग का इंतजाम किया गया है कि कोई हुरियारा बच ना पाए, सब रंग बिरंगे हो जाएंगे यहाँ बरसाए जाएंगे, जो हुरियारे आएंगे उनके ऊपर नंदगांव वासी इसका पूरा स्वागत करके रखते हैं, रंग गुलाल फूल सब उनके ऊपर बरसाया जाता है आज इस होली पर। अब एक लंग खड़े ले, ये देखिए ये यहाँ पे सभी हुरियारे आ रहे हैं, उन पर किस तरह से फूलों से बरसात की जा रही है, बहुत ही आनंद बरस रहा है श्रीधाम नंदगांव में। ये देखिए फूलों से बरसात की जा रही है नंदगांव वासियों द्वारा, बरसाना के जो हुरियारे आए हैं उनके ऊपर रंग से भी बरसात की जा रही है। और इस उत्सव को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, ये देखिए चारों तरफ अभी रंग गुलाल में सभी हुरियारे हो जाएंगे। ये देखिए आनंद ही आनंद बरस रहा है श्री राम नंदगांव में। और दर्शकों अब हम पहुंच गए नंद महल में, जहां पर देखिए किस तरह से हुरियारों का स्वागत किया जा रहा रंग से, और यहीं पे समाज गायन होगा उसके बाद। ये देखिए कितना आनंद बस रहा है श्रीधाम नंदगांव में आज। धन्य है ये ब्रजधाम जिसकी होली पूरे विश्व में विख्यात है। देश से विदेश से श्रद्धालु इस होली का आनंद लेने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं, और इस बार देखिए किस तरह से आनंद में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं।
बाबा की जय, बोल नंद के लाला की जय। ये देखिए किस तरह से रंग बिरंगे हो गए हैं सभी बरसाना वासी। आनंद की कोई सीमा नहीं है यहाँ पे, जिसको वर्णन नहीं किया सकता, ऐसा आनंद श्री दामनंद गांव में बरस रहा है। जय हो। और दोस्तों ये देखिए सभी हुरियारे आ गए हैं और हुरियारिन भी आ गई हैं। यहाँ पे कुछ ही गेड़ों में लठमार होली का आयोजन होगा। झंडी आ चुकी है, जिस झंडी का सभी इंतजार कर रहे थे हुरियारे, लाल पीले रंग बिरंगे हो चुके हैं। जो सज धज कर आए थे श्रीधाम बरसाना से आज खेलने के लिए, ये देखिए अब पहचानने भी नहीं आ रहे कि ये बरसाना के हैं या नंदगांव के हैं। इतना रंग गुलाल उड़ा है नंद महल में जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अब यहाँ पर इसी चौक से होली स्टार्ट होगी, लठमार होली, उसका आनंद आप लीजिए हमारे चैनल ब्रज माधुरी के द्वारा। ये देखिए किस तरह से लाल रंग, और ये होली स्टार्ट हो चुकी है। ये देख रहे हैं किस तरह से लठ पड़ रहे हैं एक दूसरे। ये देखिए जो हुरियारे हैं वो ढाल लेकर तैयार हो गए हैं और हुरियारे उन्होंने लठ बरसाना शुरू कर दिया है। होली शुरू हो चुकी है, लठमार होली नंदगांव में, श्री धाम नंदगांव से ये आनंद दे रहे हैं आप। और इसी तरह से यहाँ पे होली खेली जाएगी, इसी तरह कई और चौक है वहाँ पे भी होली खेली जाएगी। हम सभी के आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन जो होली की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, उसके भी दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। अब हम हैं रंगीली चौक पर जहाँ पे होली शुरू हो चुकी है, लठमार होली, आप आनंद लीजिए। आइए, ये नंदगांव का मेन चौराहा है रंगीली चौक, यहाँ पे होली शुरू हो चुकी है, लठमार होली। जो बरसाने से हुरियारे आए थे आज सखी रूप में, गोपी रूप में राधा रानी की, यहाँ पे नंद महल पे, उसके बाद यहाँ पे वो लठमार होली खेलने के लिए रंगीली चौक पे आए हैं। ये आनंद श्री ब्रज, आनंद सिर्फ श्री धाम ब्रज में मिल सकता है, ऐसा आनंद कहीं और भी मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। आइए आपको पास से दिखाते हैं किस तरह से लठ बरस रहे हैं रंगीली चौक पर। लठों की बरसात शुरू हो गई है, चारों तरफ आपको लठ ही लठ दिख रहे होंगे। ये देखिए चारों तरफ से नंदगांव के जो ब्रजवासी हैं,
अपनी छतों से खड़े होकर इस आनंद को ले रहे हैं जो नंदगांव में आज बरस रहा है। बरसात हो रही है लट्ठों की। नंदगांव की हुरियारिन जो पिछले 6 महीने से तैयार थी अपनी लाठियों को लेकर, आज उन्होंने लट्ठ बरसाना शुरू कर दिया है। बोल नंदगे लाला की जय।